और सूत्रों के हवाले से ये खबर देखिए, कानपुर दंगे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कानपुर नई सड़क हिंसा में आरोपी मोहम्मद वसी का बड़ा खुलासा। चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए रची गई थी हिंसा की साजिश। बिल्डर वसी ने हयात जफर को दी थी 1 करोड़ की सुपारी। बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात स्वीकारी। वसी का दावा, प्रदेश के तमाम रसूखदारों पर उसके हैं एहसान। विवादित जमीनें खाली कराने के एवज में करोड़ों की काली कमाई। तो आप देखिए और समझिए किस तरह से दंगे के लिए क्या 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। और सबसे पहली बात इसमें आपको बता दें कि जमीन कब्जे का इरादा था और नुपुर केवल बहाना था। उपद्रव के पीछे नुपुर शर्मा की टिप्पणी के अलावा स्थानीय कारण भी थे और ऐसा कहा गया है इस आधार पर कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात से पूछताछ में क्या कुछ निकला उसके बाद इस तरह की डिटेल सामने आई है। उपद्रव स्थल के पास बने चंदेश्वर हाता पर कब्जे का इरादा था और नुपुर केवल एक बहाना था। ध्यान रखिएगा, कब्जे के लिए वहां रहने वाले हिंदुओं में दहशत फैलाने की भी तैयारी की गई थी और नुपुर के बहाने से क्या कुछ किया जा रहा था। बिल्डर हाजी वसी और मुख्तार बाबा चंद्रेश्वर हाता हत्याना चाहते थे और इसके अलावा हाजी वसी इसी तरह कब्जा कर कई जमीनों पर इमारतें बनवा चुका है। तो इस तरह से मकसद कुछ और था लेकिन नुपुर के बहाने वो जमीन कब्जा करना चाहते थे। मुख्तार बाबा भी कई जगह कब्जे कर बाबा बिरयानी की चेन तैयार कर रहा था। काफी बड़ा लैंड ग्रैबिंग केस लग रहा है और SIT जांच में वसी और बाबा का D2 गैंग से भी कनेक्शन सामने आया है। और डिटेल्स आपको बताएं कि किस तरह से नुपुर केवल बहाना था और जमीन किस तरह से एक दो नहीं कई बड़ी बड़ी चैंस खड़ा करना उनका इरादा था और इसी तरह से लगातार वो आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे केवल और केवल नुपुर शर्मा की विवाद के आड़ में। और अब आपको कानपुर के चमनगंज में रहने वाले फिरोज खान का बयान सुनवाते हैं जिन्होंने हाजी वसी और उसके गुर्गों के अवैध निर्माण की शिकायत पहले ही कर दी थी। सुनिए, हाजी वसी जो है उसका कलेक्शन इतना ज्यादा जबरदस्त है कि वो KDA के जो JEE है उन सबको खरीद लेता है। वो अपना इतना जबरदस्त नेटवर्क बनाए हुए हैं क्योंकि उसके साथ जो है एक शहर काजी है कुद्दूस साहब, वो भी जुड़े हुए हैं हर मामले में। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस साहब उसका मदद करते हैं, वो KDA भी पहुंच जाते हैं, वो DM पास भी पहुंच जाते हैं और वो कमिश्नर के पास भी पहुंच जाते हैं। हसीब और हाजी वसी और कुद्दूस साहब ने मिल के वो फ्लैट उनको दिया है, वो वहाँ रह रहे और 2 बार बुलडोजर आ चुका है उसको तोड़ने के लिए। जब भी बुलडोजर आया है तब भी उन्होंने क्या किया कि 4 मौलानाओं को बैठ के कुरान खानी के नाम से और ऐसा करा कि वो बेचारे अब वो गैर मुस्लिम आदमी क्या जाने कि भाई ये इबादत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने उसका सहारा लिया, दीन का सहारा लेके 2 बार वो बिल्डिंग टूटते टूटते बची है जिसका मैंने बाकायदा ये देखिए ये पेपर है। मैं 2018 से इस बिल्डिंग जगह को रोकने के लिए लगा हूँ लेकिन वो बिल्डिंग आज हाई लोअर कोर्ट से एक स्टे भी हो गया है, उसके बावजूद KDA की मिलीभगत से शहर काजी के हाथ के ऊपर उनके होने से वो बिल्डिंग बन गई है। 1-1 दुकान 60-60 लाख रुपए की बेची गई है।